बड़ौदा महानगर पालिका के चुनाव संपन्न होने के बाद 69 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आई है। तब अब बड़ौदा शहर का संचालन करने की कवायतें भी शुरू हो गई है। एक जानकारी के मुताबिक आने वाले 10 मार्च को पालिका की पहली सामान्य सभा आयोजित होगी, जो महात्मा गांधी नगर गृह में होगी, जिसमें शहर के मेयर समेत स्थायी समिति के अध्यक्ष के नामों की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और 2.5 साल के कार्यकाल के लिए मेयर कौन बनेगा, इसकी चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है। हालांकि मेयर पद के लिए डॉक्टर शीतल मिस्त्री, मनोज पटेल, पराक्रम सिंह जाडेजा और बंदी शाह समेत के दिग्गजों के नाम भी चर्चा में है। पर भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से जो रणनीति रही है, उसी तरह सबको चौंकाने वाला भी कोई नाम मेयर की कुर्सी पर काबिज हो सकता है। बड़ौदा महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। पालिका में विपक्ष के तौर पर बैठने के लिए जहां 8 काउंसिलरों की जरूरत है, तब कांग्रेस के पास सिर्फ 7 ही काउंसिलर मौजूद है। अब आने वाले 10 मार्च को बड़ौदा के पालिका के शासकों के पद के लिए जो मुखिया है, उनके नामों की घोषणा होगी। तब भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समेत बड़ौदा के नागरिक अब 10 मार्च की राह देख रहे हैं। ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે અને ગેઝેટ આપણે મળી ગયું છે અને નવા ચૂંટાયા પછીનું જે નવા બોડીનું પ્રથમ બોર્ડ 10મી તારીખે સવારે 11 વાગે ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે રાખવામાં આવેલી છે। પ્રથમ બોર્ડમાં પ્રથમ તો માનનીય મેયરશ્રીનું નક્કી કરવામાં આવશે જનરલ બોર્ડ તરફથી, એના પછી ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યો, એ ત્રણ અજેન્ડા હશે। મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યો, એ અજેન્ડામાં લેવામાં આવશે। ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે આપણે મળીએ છીએ, કારણ કે કોવિડ પ્રોટોકોલ અને કોવિડ ગાઈડલાઇન્સ પાલન કરવાનું હોય તો એટલા માટે આપણે ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે મળીએ છીએ। અને પ્રથમ બોર્ડમાં જે મેં કીધું છે, મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, સોરી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યો છે, એનું વર્ણીકરણ કરવાનું। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।